तो ये आपको एंड्रॉयड 11 का जो बोर्ड अभी मार्केट में मिल रहा है उससे भी कम कॉस्ट पे हम लोग दे रहे हैं। हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज क्या एडवांसमेंट आया है जो इतना मार्केट में इसका डिमांड है, ये हमारी कंपनी देती है 100% रिकॉर्ड है। हमारी कंपनी रिलोकेट करती है, रीइंस्टॉलेशन करती है, सारा कुछ करती है। कुछ डीलर्स होते हैं, वो डीलर क्या है, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट और सबको असेंबल्ड करके किसी को दे रहे हैं, कहीं से कैमरा ले रहे हैं, कहीं से पैनल ले रहे हैं, कहीं से माइक ले रहे हैं और करके उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान स्वागत करता हूँ यूरेका टेक चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे जो यूरेका का लेटेस्ट डिजिटल बोर्ड जो लॉन्च हुआ है मार्केट में, जो धमाल मचा रहा है। हम लोग उसको उसका ऑर्डर कंप्लीट देते देते परेशान हैं। ये सब आप लोग की विशेष है, ट्रस्ट है, बिलीव है। जो लेटेस्ट डिजिटल बोर्ड लॉन्च हुआ है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, दिखाएंगे। और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे उसमें जो एडटेक कंपनी है लाइक यूरेका टेक्नोलॉजी जो कि डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करती है, कैमरा प्रोवाइड करती है और बाकी इससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो किस तरह की कंपनियां और भी मार्केट में अवेलेबल है, कितने तरह की एडटेक कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए, जो बोर्ड धमाल मचा रहा है वो ये बोर्ड है जैसा कि देख रहे हैं। देखने में ये वैसा ही बोर्ड लग रहा होगा जैसा कि पहले आपने देखा होगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है? हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज क्या एडवांसमेंट आया है जो इतना मार्केट में इसका डिमांड है? तो ये जैसा बोर्ड देख रहे हैं, हमने अभी ओपन किया और ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। जैसा कि अभी आप सॉफ्टवेयर ओपन हमारा देख रहे होंगे, ये आपको तो वही सॉफ्टवेयर दिख रहा है जैसा कि पहले आप यूज कर रहे थे, तो फिर नया क्या? आप यही सोच रहे होंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये हमारा टीचिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग जिसके हेल्प से लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। बट एक्चुअली जो बोर्ड होता है, जो पैनल है, जो डिजिटल बोर्ड है, इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है वो दूसरा होता है। ये टीचिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब कि जो इसका एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड पहले हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे? एंड्रॉयड का वर्जन जनरली आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए, एंड्रॉयड 11 सही है, ठीक है। अब रैम और रोम, तो रैम कितना होता था? रैम 4 GB एंड रोम कितना होता था? रोम हमारा 32 GB, जनरली यही स्टैंडर्ड चलता था हमारा इसमें। बट अभी जो ये बोर्ड है वो एंड्रॉयड 13 है। क्या है? एंड्रॉयड जो है ये एंड्रॉयड अभी 13.0। और इसका रैम और रोम की अगर बात करें तो रैम 4 GB, 4 GB की जगह 8 GB अभी आपको मिलेगा, रोम जो है आपको 128 GB। और सबसे जो बड़ी बात है, आप ओपीएस लेते थे, ओपीएस ज्यादातर कस्टमर जो 25,000-28,000 रुपए खर्च करता था, किस लिए? स्टोरेज के लिए। और स्टोरेज स्टैंडर्ड ओपीएस जो मार्केट में चलता था या चल रहा है उसमें क्या मिलता है? 8 GB रैम के साथ 256 GB जो है उसका हार्ड डिस्क या SSD मिलता है, जनरली 256 GB, 500 GB, 1 TB तक भी ले सकते हैं। बट ये जो बोर्ड है जो कि आपको 8 GB रैम एंड 128 GB रोम और जो स्टोरेज है इसका, जो स्टोरेज है वो अपग्रेडेबल है, जो अपग्रेड हो सकता है 1 TB SSD के साथ, 1 TB SSD के साथ स्टोरेज आपको ओपीएस से भी ज्यादा मिल जाता है। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, सिर्फ 5,000-6,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने हैं और आपको 1 TB स्टोरेज के साथ। तो ये पहले क्यों नहीं पॉसिबल था? तो पहले इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो एंड्रॉयड 11 था और जो उसमें उसका प्रोसेसर था, जो उसका मदरबोर्ड था, जो हार्डवेयर है, वो उस लेवल का रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, बहुत सारे आज भी आपको मार्केट में एंड्रॉयड 13 मिलेंगे बट उसमें आपको स्टोरेज 1 TB तक नहीं जाएगा या स्टोरेज जो है 128 GB नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका हार्डवेयर उस हिसाब से अपग्रेड नहीं है। हो सकता है वो पुराने हार्डवेयर को ही वो फर्मवेयर अपग्रेड किया हो। तो इसमें हार्डवेयर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रू एंड्रॉयड 13 है जो हार्डवेयर अपग्रेडेबल है, क्योंकि जब तक उसका मदरबोर्ड और उसका प्रोसेसर वैसा नहीं होगा तो टीचिंग सॉफ्टवेयर वही पुराना जो आपको दिख रहा है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ही एडवांस है, उसी सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग लेटेस्ट जो बोर्ड हमने दिया है। तो कस्टमर इतने खुश है, जो भी इसको ले रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे है। आप भी जल्दी से क्वेरी कीजिए और पता कीजिए क्या इसका कॉस्ट है। तो ये आपको एंड्रॉयड 11 का जो बोर्ड अभी मार्केट में मिल रहा है उससे भी कम कॉस्ट पे हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें स्मूदनेस, राइटिंग, लैग जो बात करते हैं वो सारा चीज कुछ भी नहीं है जैसे पहले था। इरेजर अगर बात करते हैं, बहुत ही स्मूद काम करते हैं।
बाकी फीचर्स की बात करें तो फीचर्स इसके अवेयर हैं आप, और कुछ भी इसमें थोड़ा सा और भी हम लोग की एडवांसमेंट का चल रहा है, और जो भी एडवांसमेंट होगा वो ऑनलाइन सारे अपडेट्स हमारे कस्टमर को मिल जाता है, या हम लोग अपडेट उसको मैनुअली भी प्रोवाइड करा देते हैं। दीज आर द थिंग्स। तो आप फिर देरी ना कीजिए, जल्दी से पूछिए, जल्दी बुक बोर्ड बुक कीजिए या डेमो बुक कीजिए, डेमो लीजिए, आपको भी आइडिया होगा ये बोर्ड कैसा है। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट था, हम लोग बात करते थे कि एडुटेक कंपनियां कितनी तरह की हैं। चलिए, तो एडुटेक कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि एडुटेक कंपनी, अगर एडुटेक जो कंपनी है उसका मतलब है कि वैसी कंपनी जो एजुकेशन के सेक्टर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरे सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं आज के टाइम में और हर दिन कंपनियां आ रही है, बट आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो डेडिकेटेड है, जो आपके सर्विसेज आपके प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है, बहुत ही सीरियस है, मौका देखते हुए नहीं कि आज ये डिमांड है, ये जो है आज टाइम ऐसा है कि ये प्रोडक्ट चाहिए, तो लोग ये चीजें देखते हुए उन चीजों को कर रहे हैं, या बहुत सारी कंपनियां मौका को देखते हुए उस तरीके के प्रोडक्ट सेगमेंट में इन कर गई, ऐसा नहीं हो। तो इसमें बहुत सारे ऐसे नाम है, जैसे एलजी का डिजिटल बोर्ड आता है, पैनल आता है, बट आप उसमें देखे होंगे कि ये पैनल ही आता है, सिर्फ उनका पैनल आता है, आईएफपी आता है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आता है, डिजिटल बोर्ड जो ये आपको दिख रहा है वो कैमरा प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेक्चर ट्रैकिंग जो कैमरा होता है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको लाइटिंग नहीं करके देते हैं, वो आपको ऑडियो डिवाइस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको स्टूडियो बनाने में आपको साउंड प्रूफिंग नहीं करते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो कि अब मैक्सअप की बात करें तो मैक्सअप में आपको पैनल मिलता है, ये वाला पैनल मिलेगा, और फिटजेड कैमरा या लेक्चर ट्रैकिंग कैमरा जो होता है वो मिलता है। तो ये प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब दो तरीके की कंपनी, कहने का मतलब कि एक जो प्रोडक्ट सेल करती है और दूसरी वैसी कंपनी जो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको पूरा सोल्यूशन सेल करती है। तो ज्यादातर कंपनियां आप आइडेंटिफाई करें कि इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग कर रही है। प्रोडक्ट अब क्या है, कुछ डीलर्स होते हैं, वो डीलर क्या है, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट और सबको असेंबल्ड करके किसी को दे रहे हैं, कहीं से कैमरा ले रहे हैं, कहीं से पैनल ले रहे हैं, कहीं से माइक ले रहे हैं, और करके उनको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत बार ना वो सही सॉल्यूशंस नहीं बन पाता है, कस्टमर पूरा पैसा भी इन्वेस्ट कर देता है और लाखों रुपया लगाने के बाद भी वो टेंशन में रहता है कि वो उनको ना आउटपुट या वो डिजायर आउटपुट या डिजायर चीजें उनको नहीं मिल पाया। तो इन चीजों के लिए जो डिजायर चीजें अगर उनको नहीं मिल पाती हैं और नहीं हो पाती हैं, उसमें उनका कोई गलती नहीं है, कस्टमर की कोई गलती नहीं है। सिर्फ कहां है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या है कि उनका डिसीजन, वैसी कंपनी के साथ आप जाइए जिसमें कि आपको सारा सॉल्यूशंस मिलता है। तो सबसे पहले एडटेक में कोई कैमरा प्रोवाइड कर दिया, कोई आपको डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, कोई माइक प्रोवाइड कर दिया, या डीलर लेवल पे मिलता है तो डीलर्स लेवल पे भी जो है आपको दिक्कत होता है। तो वैसी कंपनी के साथ जाइए जो ये सारा कुछ प्रोवाइड करती है, और ऐसी कंपनियां बहुत कम है, जिनमें से एक यूरेका भी है, और बहुत टाइम से यूरेका जो है इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रही है। यूरेका का आपको डिजिटल बोर्ड भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, दूसरा जो है आपको लेक्चर ट्रैकिंग कैमरा भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, आपको पूरा स्टूडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा, मतलब जिसमें आपको माइक का हो गया, चौथा लाइटिंग फॉर स्टूडियो हो गया, आपका साउंड प्रूफिंग हो गया, नॉइज कैंसिलेशन माइक हो गया, सारा यूरेका की तरफ से मिलता है। साथ ही साथ किसी भी कस्टमर को अगर ऐसा जरूरत है कि उनका स्टूडियो बन जाता है, पैनल इंस्टॉल हो जाता है, कितनी कंपनी, आप हमें कमेंट में बताइए जो लोग यूज कर रहे हैं, अगर उनको री इंस्टॉलेशन कराना होता है, रिलोकेट कराना होता है, तो वो कंपनी आपको करके दी, हमारी कंपनी देती है, 100% रिकॉर्ड है, हमारी कंपनी रिलोकेट करती है, री इंस्टॉलेशन करती है, सारा कुछ करती है। बट ऐसी एक भी कंपनी जिनका अगर एक्सपीरियंस आप बताएं, बहुत रेयर हो सकता है, जिनमें से एक हमारी कंपनी है, ये सारा कुछ सॉल्यूशन वन स्टॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ आपको इन सारी चीजों के साथ साथ, आपने डिजिटल बोर्ड लगा लिया, माइक लगा लिया, स्टूडियो बना लिया, बट उसके पीछे पर्पस क्या है, पर्पस है ऑफलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे या अपने एप्लीकेशंस पे डालेंगे, उसमें हम लोग आपकी पूरी हेल्प करते हैं। कैसे आप जाएं, बहुत लोग का स्क्रॉलिंग चल रहा है, लाइव कैसे जाएं, लाइव में कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करें, ये सारा कुछ फ्री में, ऐसा नहीं कि ये कोई हम लोग पेड करते हैं, इसके लिए अलग चार्जेज करते हैं, जो हमारे यहाँ से सॉल्यूशंस लेता है उसको बाकी सारी कंसल्टेशन हम लोग फ्री में देते हैं। और रही बात दूसरा जो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू लोग अपना कस्टमाइज एप्लीकेशन बनवाते हैं, वो भी हम लोग बनाते हैं,
बनवाते हैं, उनको उनके चैनल को प्रमोट होने में, उनके एप्लीकेशन को एनहेंस करने में हम लोग कंप्लीटली हेल्प करते हैं, और जो एजुकेशनल एप्लीकेशन बना के देते हैं जिसमें कि वो अपना कोर्स को रख सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही जेन्युइन और मतलब बहुत ही कम पैसा में आपको एप्लीकेशन बना के देते हैं, जो कि हजारों और लाखों रुपया लोग मांगते हैं, बट बहुत ही कम नॉमिनल चार्जेस पे। ये सब कुछ आप एक बार कॉल कीजिए और पता कीजिए कि हमारे यहाँ किस प्राइस पे और कैसे हो रहा है। तो आई होप सो, एक बार जरूर जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेमो भी देखिए हमारे प्रोडक्ट का, नया वाला जो पैनल है जो मार्केट में बिल्कुल छाया हुआ है, धमाल मचाया हुआ है, आपको भी आई होप सो कि बहुत अच्छा लगेगा। और जिनको जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, जो हमारे वैसे कस्टमर्स जो ले जा रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जैसा भी एक्सपीरियंस हो रहा है, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।